आज मैं लेकर आई हूँ चने दाल की बेहद ही खास रेसिपी आपके लिए। अगर आप भी रोज रोज के खाने से हो गए हो बोर, तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। सबसे पहले चने की दाल ली है और इसको मैंने 4-5 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए रख दिया है। अब फाइनली आप देख सकते हैं कि दाल जो चने की है वो पूरी तरह से भीग चुकी है। अब क्यों ना इसको अच्छे से धो लिया जाए। मैंने इस दाल को फाइनली अच्छे से धो लिया है। दाल काफ़ी खिली खिली लग रही है और इसके साथ ही मैंने एक मिक्सी जार भी ले लिया है। अब मिक्सी जार में सारी दाल को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। साथ ही मैंने थोड़ी दाल रख दी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं कि दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया है। दूसरी तरफ मैंने ले ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने ऐड करा है थोड़ा सा ऑयल। आप चाहे तो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तेल को रख लिया है और अब फाइनली तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। तेल गर्म होने के बाद में अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं जो बची हुई दाल है उसको हमने ऐड कर दिया है। और अब थोड़ा सा हम करछी की मदद से इसको अच्छे से घुमा लेंगे, यानी कि थोड़ा सा तेल में हम इसे रोस्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। दाल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद, भुनने के बाद, अब हमें इसमें ऐड करना है जो दाल का हमने पेस्ट बनाया था वही। बस आपको इसमें सारी दाल निकाल लेनी है और उसी के पेस्ट को फिर से अब भुनना है। अच्छे से चलाते रहे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने दाल क्यों डाली है। दाल मैंने इसलिए डाली है जब हम खाएं तो हमारे मुंह में जो मोटी दाल है उसका फ्लेवर अच्छे से आए, थोड़ा सा करारापन आए, इसीलिए मैंने कुछ दाल के दाने भी रख दिए हैं। आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से भुन चुकी है। आपको भी इसी तरीके से दाल को अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो चुका है, तो क्यों ना आप हमारी अगली चीज इसमें डाली जाए। इसमें मैं अब ऐड करने वाली हूँ 1/2 कप के लगभग सूजी। सूजी भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है, इसीलिए मैंने इस रेसिपी में सूजी भी ऐड कर दी है। यकीन मानिए ये रेसिपी जब रेडी होगी तो आप खाते खाते नहीं थकोगे, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, दाल और सूजी को भी थोड़ा सा, या यूं कहें कि 2-4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। 2-4 मिनट हो चुके हैं और ये फाइनली अच्छे से भून भी चुकी है। अब क्यों ना मैं उसमें कुछ चटपटे मसाले ऐड कर दूं। सबसे पहले मैंने लिया है इसमें गरम मसाला। थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड करी है रेड मिर्ची। नमक स्वादानुसार मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर दी है। और अब करछी की मदद से मैंने इन सारे मसालों को दाल और सूजी में अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ी देर के लिए इसे अच्छे से पका लिया है। और अब इसका कलर भी मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा आया हुआ है। अब मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा मैंने इसमें हरी मिर्ची भी ऐड करी है। हरी मिर्ची भी काफ़ी अच्छी लगती है, इसमें थोड़ा सा तीखापन आ जाता है, इसीलिए मैंने हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है। एक छोटा प्याज मैंने कटा हुआ इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैंने फिर से करछी की मदद से इसको अच्छे से घुमाना शुरू कर दिया है। बस कुछ ही मिनटों में हमारी ये रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी लगती है ये, सुबह नाश्ते में खा सकते हो, शाम के टाइम आप इसे खा सकते हो। अब मैंने 1 गिलास के लगभग इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको करछी की मदद से घुमा भी लूँगी। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से
मिक्स हो रहा है और थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी हो रहा है। आपको लगातार इसमें करछी घुमाते रहना है ताकि जो आपकी दाल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए। इसे पकाना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर दिया है। धनिए की खुशबू तो काफ़ी अच्छी लगेगी इस रेसिपी में। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर रेडी होने वाली है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये पेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा अब गाढ़ा होना भी शुरू हो चुका है, तो क्यों ना अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक दिया जाए। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। करछी की मदद से मैं इसको अच्छे से घुमा रही हूँ ताकि ये कहीं से भी चिपके नहीं। ये अब अच्छे से पकना भी शुरू हो चुका है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये पूरी तरह से चिकना ना हो जाए। कम से कम 4-5 मिनट तक इसे ऐसे ही अच्छे से घुमाना है। और बेहद ही अच्छी रेसिपी फाइनली हमारी रेडी होने वाली है। आप देख सकते हैं कि ये चिकनापन इस रेसिपी में आ चुका है। बस आपको यही चाहिए। फाइनली अब ये रेडी हो चुका है, इसीलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है और एक प्लेट ली है और उस प्लेट में मैं इस मिश्रण को ऐड कर दूँ। ऐड करने के बाद में अब हमें करछी की मदद से इसको अच्छे से दबा देना है, या यूं कहें कि करछी की मदद से आपको अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि ये जो मिश्रण है वो अच्छे से जम जाए। आपको भी धीरे धीरे करके इसको ऐसे ही सेट करना है। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप उसी तरीके से अपने घर में ये सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से सेट हो चुका है। इसको अच्छे से सेट करने के बाद में अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ वाइट तेल। वाइट तेल इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से डेकोरेट भी होंगे। और इसको मैंने फिर से करछी की मदद से अच्छे से प्रेस कर दिया है ताकि ये तेल कहीं बाहर ना निकल जाए। और थोड़ी देर के लिए इसे मैंने इसे ऐसे ही जमने के लिए रख दिया है। ये अच्छे से जम चुका है। अब आप किसी भी कुकिंग कटर या नॉर्मल किसी भी कंटेनर या चाकू की मदद से इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले तो इसे राउंड शेप दी है और ये बहुत ही सुंदर रेडी हुआ है। और अब मैं इसे दूसरी शेप भी देने जा रही हूँ। आप अपने मनपसंद की शेप इसको दे सकते हैं। जो आपके बच्चों को पसंद हो आप उसी शेप में इसको कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग इनको शेप दे दी है, तो क्यों ना अब इनको हल्का सा रोस्ट या फ्राई कर लिया जाए। इसे फ्राई करने के लिए मैंने 1 चम्मच के लगभग इसमें तेल ऐड कर लिया है और थोड़ा सा मैंने इसे गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है। और अब मैंने ब्रश की मदद से तेल पूरे पे ऐड कर दिया है। और अब फाइनली तेल भी गर्म हो चुका है, तो क्यों ना हमारे इन दाल पॉकेट्स को अच्छे से गर्म कर लिया जाए। अब मैं इसमें एक एक करके सारे जो दाल पॉकेट्स है उनको मैं डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। पहले से ही पके हुए थे लेकिन मैंने थोड़ा सा सोचा कि क्यों ना इसमें तेल का छोंक लगा दूं। इस छोंक से बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही प्यारी रेसिपी बनकर रेडी होगी। थोड़ी देर तेल पे रखने के बाद क्यों ना अब इनको पलट दिया जाए। हाथ की मदद से या फिर आप चमटे की मदद से इनको अच्छे से पलट सकते हैं। मैंने भी एक एक करके इनको अब अच्छे से पलट दिया है।
अगर आपको ज़्यादा गर्म ना लगे तो हाथ से भी आप इसे पलट सकते हैं। और फाइनली अब ये हमारे बनकर पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। मैंने गैस की फ्लेम को भी अब कम कर दिया है, या यूँ कहें कि गैस को पूरी तरीके से मैंने बंद कर दिया है। और अब हमें एक प्लेट लेनी है। प्लेट में मैंने रेड चटनी डाल दी है, अगर आप चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बेहद ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। आप शाम के स्नैक के साथ, चाय के साथ में, किसी भी चीज़ के साथ इसे ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेडी होने वाली रेसिपी है, आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।